ये है विविध भारती सेवा नागपुर। गुड मॉर्निंग, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर। गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नागपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। अमीन जी, आपने तीन लोगों के नाम लिए थे, उनमें से तो दो तीसरे थे दादा एस डी वर्मन, वो भी मेरे भाई के समान थे और उनकी बीवी मीरा भाभी मेरी भाभी की तरह थी। वहाँ भी मैं घर पे जाया करता था और शुरू में देखा करता था नन्हे आर डी वर्मन वहाँ शॉर्ट पैंट पहनकर झूमते रहते थे और हिलते रहते थे। उनमें जो लय है ना, लय उनके खून में बहती थी, तो कुछ भी वो दादा वर्मन की कॉम्पोजिशन सुनते थे और अपने आप हिलते रहते थे या फिर तबला लेकर बैठ जाते थे और कुछ धूमधाम करते थे। तब से मैं दादा वर्मन को जानता हूँ। किशोर कुमार उनके बहुत फेवरेट गायक थे। एक प्रोग्राम किशोर का वो भी है जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है बर्मन दादा की। एक देवानंद की फिल्म थी जिसमें वहीदा रहमान थी और देवानंद थे। गाइड की बात कर रहे हैं आप? गाइड के गाने मुझे बहुत पसंद थे। जो भी आप गाना बजाते हैं उसका। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ये छूटेगा
लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रॉडकास्टिंग में आप आवाज को महत्व देते हैं या स्टाइल को? आप मुझे इसके उसको अच्छी तरह से जवाब देने के लिए जी थोड़ा सा समय देंगे या नहीं? हाँ, जरूर जरूर नहीं जरूर देंगे मुझे? नहीं जरूर जरूर देंगे। देखिए ये सफल संचार के लिए जी 7 शब्द हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा हर ब्रॉडकास्टर के लिए, जो कि स से शुरू होते हैं जी। जो वक्ता अच्छी तरह से मन में डाल देना तो बहुत अच्छा सफल ब्रॉडकास्टर बन सकता है जी। देखिए 7 से कौन से हैं ये? एक तो संचार सही होना चाहिए, उसमें प्रसारण से पहले अपना होमवर्क उसे कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि गलतियां ना हो उसमें, बिल्कुल अच्छी चीजें सही हो। दूसरा सा है सत्य। अगर संचार में सत्य नहीं होगा उसमें अगर झूठ की बदबू आ जाएगी जो अक्सर हो जाता है खासकर रेडियो पर, तो फिर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे जी, बदल जी, जैसे आप बोलना शुरू करेंगे फटक से बदल देंगे, कोई और स्टेशन लगा देंगे जी। फिर संचार सरल हो, रेडियो पर तो समय ही नहीं इतना मिलता कि कुछ शब्द कोश लेकर कोई बैठे और सुने, वो जो भी वो आप बोले एकदम सरल होना चाहिए, वही सरल हिंदुस्तानी जो मैंने गांधी जी से सीखी थी और वही सरल हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की भाषा है। अगर सरल होगी तो लोग बहुत बहुत प्यार से सुनेंगे और आपको कभी भूलेंगे नहीं। बल्कि ऑल इंडिया रेडियो में भी एक जमाने में ये दौर चला था कि बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते ऑल इंडिया रेडियो बम्बई के स्टूडियो में कि जो भी आप भाषा बोले सरल बोले। चौथा सा है स्पष्ट, जबान आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उच्चारण आपका हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिससे कि कंफ्यूजन होने की कोई गड़बड़ ना हो। जी जी बिल्कुल। वरना ये होता है कि आजकल कुछ कुछ अनाउंसर्स हैं ज्यादातर तो बहुत अच्छा बोलते हैं जी, मगर कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद भाषा अच्छी तरह ना सीखी हो या उन्होंने ठीक से बोलने की प्रैक्टिस ना की हो, कोई ट्रेनिंग ना ली हो जी जी, उससे वो भाषा साफ नहीं आती, कंफ्यूजन हो जाता है, फिर वो इतनी जोर से फास्ट फास्ट तेज तेज बोलने लगते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो कमर्शियल्स भी आते हैं, विज्ञापन भी इतने तेज और इतने अस्पष्ट क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये बेच क्या रहे हैं ये गड़बड़। अच्छा पांचवा तो सुनिए। हाँ बोलिए। पांचवा है सभ्य। सभ्य संचार सभ्य होना चाहिए क्योंकि देखिए उसमें बड़े छोटे दादा दादी पोते पोती सब सुनते हैं एक जी, साथ जी, 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 तो कभी ऐसी गड़बड़ ना हो, ओछापन ना हो, किसी को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दे जी। और छठा है सर सुंदर। संचार सुंदर होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए जी जी जी, ताकि कोई भी नींबू नमक शक्कर जो भी आप मिलाना चाहें मिर्च मसाला मिलाइए उसमें, मगर वो सुंदर जरूर हो। सातवां है स्वाभाविक हो। स्वाभाविक बहुत जरूरत है कि उसमें बनावट मत रखिए, स्वाभाविक रखिए, नेचुरल रखिए ताकि अच्छी तरह बोले और प्यार से डूब सुने और मजे लेकर उसमें डूबे रहे। अगर ये 7 आपके भाषा में आपके संचार में होगा तो बरसों तक आप लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। सर संगीत में ये सप्त स्वर हैं। सवाल ये था कि हम आवाज को महत्व देते हैं या शैली को। बचपन में मुझे इत्तेफाक से मौका मिला कि मैं वॉइस ट्रेनिंग ले सकूं, थिएटर ग्रुप है बहुत बड़ा जिसमें मेरे भाई भी रहे और इब्राहिम अलकाजी भी रहे, तो ऐसे ऐसे वहाँ लोगों से सीखना भी मिला और वॉइस ट्रेनिंग देने की और लिप एंड टंग एक्सरसाइजेस भी, तो बहुत इससे फायदा हुआ और मैंने कोशिश की दोनों ठीक रखे, यानी आवाज क्लियर भी रखे, उच्चारण सही भी रखे और दिल को अच्छा रखें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सही, आपने जो सात बातें बताई, ये सातों की सातों गांधी जी से प्रेरित तो है ही। सरलता, हाँ। सत्यता, सही, स्पष्ट, सभ्य, सुंदर और स्वाभाविक। हाँ। आपने हमीद साहब की बात बहुत बार की है और वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में मुझे आप बताइएगा। बड़े अजीब से आदमी थे, वो लिखते भी थे, रेडियो में भी बोलते थे, स्टेज के बड़े अच्छे स्टार थे, अंग्रेजी में बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, स्टेज के बहुत अच्छे डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्मों के थे, एड फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और रेडियो प्रोग्राम हर तरह के वो प्रेजेंट करते थे अंग्रेजी में, बहुत खूबसूरत प्रेजेंट करते थे। उनसे मैंने बहुत प्रेरणा पाई, उनसे सीखा कि किस तरह लगे रहना चाहिए, कभी हिम्मत ना हारो, कभी छोड़ो नहीं, बस काम करते रहो करते रहो। अमीन जी, राजनीति के गलियारे के बहुत लोगों के आप करीब रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी राजनीति में आए? अरे मैं तो एक जमाने में ये सोचता था कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का, लेकिन वो कौन बनने देता मुझे। पर सर, देश की सेवा तो हो ही सकती थी। देश की सेवा मैंने अलग अलग तरह से बहुत की है जी, जैसे रेडियो के जरिए ही मैं, हाँ। कोई फेस्टिवल आता, उत्सव आता तो उसके बारे में भी मैं बोलता था। कोई फंक्शन अगर मैं अटेंड करने जाता था जो देश सेवा से ताल्लुक रखता हो, उसका भी जिक्र करता था। जो प्रोग्राम जो थे वो सब पसंद करते थे और वो उनको पता था कि ये न सिर्फ ब्रॉडकास्टर अच्छा है, हाँ। बल्कि एक अच्छा हिंदुस्तानी है। राजनीतिक हमारी जितने भी पर्सनालिटीज हैं, उनसे भी तो आप रूबरू हुए होंगे ना? कई कई सबसे, हाँ। मैं नेहरू जी के बगल में खड़ा रहकर उनको अम्मा से बात करते हुए मैंने सुना है। नेहरू जी हमारी अम्मा को बड़ी बहन कहते थे, उन्हें कुलसुम बहन कहते थे, और अम्मा उनको
छोटा छोटा भाई समझकर पहले नाम से पुकारते थे जवाहर। और हमारे नाना के यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त एडिटर आया करते थे, नाना बड़े अच्छे डॉक्टर थे, रजब अली पटेल, उनके नाम से भी एक रास्ता है बम्बई में, तो वो थे अबुल कलाम आजाद, तो उनके खास डॉक्टर थे नाना। सब लीडर्स कभी ना कभी आए हैं उनके घर या हमारे घर, और उनको करीब से देखकर सुनकर बहुत उत्साह होता था मेरे। जी जी जी। फिलहाल के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? आजकल इतनी चीजों में मैं पड़ गया हूँ, एक तो ये कि रेडियो का माहौल बदल गया है और काम नहीं मिल रहा है। एक जमाने में मेरा यूं था कि करीब 7-8 मुल्कों में मेरे प्रोग्राम एक्सपोर्ट होते थे, और रेडियो सिलोन ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो में भी शुरू हुए थे। ऑल इंडिया रेडियो पहले तो बीबीसी के स्टाइल पर बना था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती भी उसी स्टाइल पर बना है। मगर विविध भारती के बाद शुरू होने के बाद क्या हुआ बताता हूँ। हुआ ये कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था ना, जी जी, तो उन दिनों वो अगस्त क्रांति जो हुई थी ना 1942 के, जी, तो उसमें बम्बई के इलाके में दो जो सोल्जर्स कहना चाहिए आजादी के आंदोलन के सिपाही, जी, वो एक तो थी अरुणा आसफ अली, हाँ, और दूसरे थे अच्युत पटवर्धन। तो ये दोनों छुप छुप कर आजाद हिंद रेडियो भी चलाया करते थे और भाग भाग कर छुपा करते थे, अपना छोटा सा ट्रांसमीटर भी इधर उधर ले जाकर छुपा दिया करते थे। जी। और सबसे बड़ा उनका छुपने का जो घर था वो हमारे मकान के सामने, एक हमारी टीचर रहती थी कासिल, हाँ, देवी थी, एमी मूस था उनका नाम जी। तो ये दोनों अरुणा खाड़ा और अच्युत पटवर्धन दोनों वहाँ आकर छुप छुप कर रहते थे जी। और खाना खाने हमारे घर आते थे। तो मैं बिल्कुल मेरी आंटी की तरह हो गई थी। अब ये होते 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 क्या हुआ कि जब रेडियो सिलोन शुरू हुआ और गीतमाला शुरू हुई जी, तब तक तो आजादी आ चुकी थी और अरुणा खाड़ा तो बहुत बड़ी नेशनल लीडर बन चुकी थी। तो एक दिन वो हमारे घर खाना खाने आई और मुझे एक तरफ ले गई और मुझे डांटा के, अमीन ये क्या बकवास करते हो तुम? और मैं डर गया के खाड़ा, मैंने क्या किया? कहने लगे देखो तुम इतने बड़े हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन के फैमिली जो है उसके सदस्य हो और तुम सिलोन विदेश में जाकर धूम मचाते हो, रेडियो पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि आंटी क्या बात है कि यहाँ तो वो बीबीसी के पर बना था स्टेशन और बीबीसी के टक्कर का स्टेशन था, इतने गजब का स्टेशन था कि शायद दुनिया भर में इतने बड़े बड़े लोग नहीं आते थे, लीडर्स भी आकर बोलने में अपना गर्व समझते थे। और दूसरे ये कि यहाँ कमर्शियल सर्विस नहीं है, हाँ। और आजकल तो बहुत गड़बड़ हो गई है, बंद कर दिया है सब फिल्मी संगीत भी, तो मैं कैसे करूँ यहाँ? तो कहने लगे एक काम करो तुम एक नोट बनाकर डिटेल में मुझे दो, मैं उसको पार्लियामेंट में रखूंगी नेहरू जी के सामने और उन्हें इंसिस्ट करूंगी कि यहाँ गाने भी फिर से शुरू हो, फिल्मी गाने और कमर्शियल सर्विस भी शुरू हो। और उन्होंने रखा क्वेश्चन पार्लियामेंट में, नेहरू जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह 56 या 55 साल बराबर याद नहीं मुझे, कमर्शियल सर्विस भी शुरू हुआ, विविध भारती भी शुरू हुई, फिल्मी गाने भी वापस आ गए और ऑल इंडिया रेडियो फिर से जोरों में धूम धाम करके फिर जाग उठा। तो ये मतलब है कि हिंदुस्तानी कमर्शियल सर्विस शुरू करने में भी मेरा थोड़ा सा हाथ था। एक बड़ा अच्छा स्लोगन मैंने दिया था आकाशवाणी के लिए, कमर्शियल सेक्शन के लिए, छोटा सा था, मैंने कहा सुखवाणी लाभवाणी आकाशवाणी। सर आजकल के जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा जी। आज इतने सीनियर इतने जबरदस्त लोग नहीं हैं, हाँ, जितने के उस जमाने में हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में रेडियो सचमुच आकाशवाणी था, मतलब लगता था कि ऊपर से आकाश से आवाज आ रही है, बड़े बड़े लोग इसमें बोला करते थे, हाँ, और हमने उनसे बड़े बड़ों से जो जो सीखा उसी के मारे चलते रहे हम जी। तो वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, आजकल अच्छे हैं कुछ लोग, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो नेशनल लीडिंग ब्रॉडकास्टर नहीं बन सके जो कि उस जमाने में हुआ करते थे। अमीन जी एक सवाल ऐसा है कि आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मैं कह लूं, पर हमने ये नहीं जाना कि अमीन जी को इसके अलावा और क्या अच्छा लगता है। ब्रॉडकास्टिंग के अलावा मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनने बड़े अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे लोगों को इंटरव्यू करना बड़ा अच्छा लगता था, हाँ।
अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने जाने बड़ा अच्छा लगता था जी। खूबसूरत प्यारी दिल को छू लेने वाली फिल्में देखना अच्छा लगता था, ड्रामे भी मैं देखता था हाँ। और क्लासिकल म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था। अरे बाबा, और मैंने 4 साल सीखा भी क्लासिकल म्यूजिक, और उसके बाद जब आवाज फटी तो उसके बाद मैं सुनने जाया करता था प्रोग्राम जी, जी, करीब जी। करीब हर क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े गायक और साज नवाज को मैंने सुना है, तो ये बहुत अच्छा लगता था। कभी फिल्मों के लिए लिखा है आपने? फिल्मों के लिए नहीं लिखा है, लेकिन फिल्मों में काम करने का मौका जरूर मिला मुझे। अरे वाह, 3-4 फिल्में, एक तो भूत बंगला और महमूद की 2-3 फिल्मों में मैं बोला हूँ, और 2-3 और फिल्मों में मैंने काम किया है, लेकिन ओनली एज एन अनाउंसर। क्योंकि बात ये थी कि वैसे तो ख्याल मुझे बहुत था कि मैं जरूर बड़ा स्टार बन जाऊंगा और बाल जरा अपने लंबे रख लेता था और अपने आप को दिलीप कुमार समझता था, बालों में पफ लगा दिया करता था, अपने आप को देवानंद समझता था और अपनी पतलून जरा उठाकर जरा शॉर्ट पहनता था, अपने आप को राज कपूर समझने लगा। एक बार मैंने एक सपना देखा जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। वो सपना ये था बम्बई के रॉयल ओपेरा हाउस में, बहुत जबरदस्त उस जमाने का बेहतरीन थिएटर था, तो उसमें अमीन सायानी की फिल्में लगी है, मैं हीरो हूँ उसमें, और ओपेरा हाउस के बाहर जितने पोस्टर लगते हैं उन सब में मेरी तस्वीरें थी। तो मैंने कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि कैसा लगता है अमीन सायानी का काम। ये सपना था ना मेरा, मैं खुद पब्लिक के साथ देखूंगा कि उनको कैसा लगता है। तो मैं गया, टिकट खरीदी मैंने, और दरवाजे के पास से अंदर जाने लगा तो पता चला कि दरवाजा बंद है और शो शुरू हो चुका है, और एक लंबा 6 फुटा पठान दरवाजा बंद करके हाथ उस पर रखकर वहाँ खड़ा हुआ है। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये देखिए मेरे पास टिकट है, जरा जल्दी दरवाजा खोलो मुझे अंदर जाने दो। कह रहे नहीं साहब आपको नहीं जाने देने का है। मैंने कहा अरे भाई टिकट है मेरे पास। कह रहे नहीं 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 जा सकते आप। मैंने कहा अरे भाई मैं अमीन सायानी हूँ, इस फिल्म का हीरो हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दोगे तुम? तो उन्होंने कहा देखो सर मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, लेकिन साहब ने जो यहाँ मैनेजर हैं उन्होंने बोला है कि देखो शो शुरू हो चुका है और तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलो, अंदर किसी को मत जाने दो, क्योंकि अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो जो लोग अंदर बैठे हैं सब बाहर आ जाएंगे। क्या सपना था आपका? तो मुझे चोट तो लगी बहुत, लेकिन एक बार हकीकत में भी कुछ ऐसा हुआ। आपको वो फिल्म याद है सरस्वती चंद्र जी? और कौन थे उनके डायरेक्टर? डायरेक्टर शायद गोविंद सरैया जी थे। हाँ गोविंद सरैया। तो हुआ ये कि उनका फोन आया हमीद भाई के पास, और मैं गीतमाला के जरिए बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, तो उन्होंने फोन किया हमीद भाई को कि देखिए हमीद साहब आपके छोटे भाई अमीन बहुत हिट हो गए हैं रेडियो पर, और मुझे तलाश थी अपनी फिल्म सरस्वती चंद्र के साथ, न्यूटन के ऑपोजिट एक नया हीरोइन लेना चाहता हूँ। जी जी जी। तो मैं आकर मिलूं, मैं मिला नहीं हूँ उनसे। जी जी। तो उन्होंने कहा अमीन, मैंने कहा आओ मैं उनको बोलता हूँ तैयार रहे। तो मैं तैयार रहा, वो आए मेरे ऑफिस हमीद भाई के पास गए, और हमीद भाई ने मेरे कमरे में फोन किया कि अमीन देखो ये आगे हैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो जरा इनसे मिल लो, ये तुम्हें हीरो बनाना चाहते। तो मैं कॉलर ऑलर ठीक किया और जरा सीना तान कर गया वहाँ कमरे में और कहा यस सर आई एम रेडी। तो वो मुझे देखने लगे, घूरने लगे, उनके चेहरे पर कुछ झुर्रियां पड़ने लगी, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं लेना तो चाहता था आपको, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो हीरो है उसके कैरेक्टर से आपका चेहरा वगैरह जो है वो मेल नहीं खाता, तो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेक यू। उसने देखा कि मेरा चेहरा उतर गया, तो मुझे इतना निराश होते हुए देखकर कहने लगा नहीं नहीं डोंट फील सो बैड, मेरे पास कुछ और भी रोल्स हैं, मैं देखूंगा अगर तुम कर सको तो वो लेना। तो मैंने कहा अच्छा कौन से रोल्स हैं वो? कहने देखे सेकंड विलन और थर्ड कॉमेडियन का रोल है। तो बहुत बुरा लगा मुझे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, आप मुझे कॉमेडियन या विलन बनाना चाहते, मुझे नहीं करना है। कहा क्या फिल्म बनाई? और फिर मैं सोचता हूँ उसे देखने के बाद, उसमें नए हीरो थे और नए हीरो की आवाज मेरे दोस्त ब्रिजभूषण ने दी थी, जो ऑल इंडिया रेडियो के भी बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर रहे और मेरे टॉप वॉइस थे वो। जी जी। और उनकी बीवी मधुबाला की बहन आया था, वो भी बड़ी अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, अब भी हैं। तो अगर मैं होता उस फिल्म में तो कोई देखने जाता ही नहीं, और फिल्म हिट ना होती। जी जी। कितनी हिट हुई, कितनी खूबसूरत फिल्म बनी। सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम
तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है मॉर्निंग नागपुर में। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। आपसे बातचीत की आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख आर के गोविंद राजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज ने। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया मुरलीधर बड़वाइक ने, विशेष सहयोग दिया अशोक जांभुलकर ने, ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग।